arts. And as all of you know, that Sneha Arts is one of the initiatives by Snehalata Prasad. Dr. Snehalata Prasad is an artist, she is an art collector, she is a sculptor. And Sneha Arts does a lot of events every year related to art. And this is one of the initiatives. So thanks a lot, Himraj ji, for joining us today on the 25th episode. It's an honor having you here. So we want to know about your journey. आपकी आर्ट जर्नी कैसे शुरू हुई एंड कैसा लग रहा है व्हेन यू लुक बैक, पीछे जब देखते हो आपकी जर्नी कैसा लग रहा है? हाँ देखो, सबसे पहले तो मैं स्नेहा आर्ट को थैंक्स कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे को इस इंटरव्यू के लिए चुना। जो मेरी आर्ट जर्नी है, जहाँ तक मैं देखता हूँ अपनी मेमोरी के अंदर, मुझे यही मालूम चलता है कि मैं पेंटिंग कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था, 8th क्लास में था, तो मेरे एक टीचर्स ने मुझसे कहा था कि आप BFA करना है, आपकी पेंटिंग अच्छी है तो आप BFA करना। तो मुझे लगा कि ये ठीक है, BFA करते हैं। तो मैंने पापा से कहा, पापा मैं BFA करूंगा। और मैंने, वो हनुमान की पूजा करते थे, और मैंने उनकी जो हनुमान की फोटो थी उसके ऊपर BFA लिख दिया मार्कर से। तो जब भी वो पूजा करते थे तो उनको वो BFA लिखा हुआ दिखाई पड़ता था, भाई BFA करना है बेटे को, BFA करना है। और मेरी 12th पास हुई, मेरा हाथ पकड़ कर वो कॉलेज ऑफ आर्ट ले गए और एडमिशन टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट दिलाया, और पहली बार में मेरे को उसमें एडमिशन मिल गया था। ऐसे मेरी जो लाइफ है वो बड़ी इजीली मेरे को एडमिशन मिल गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। तो यहाँ से मैं स्टार्ट होता हूँ। और BFA सेकेंड ईयर, BFA में जब मैं कॉलेज में गया तो कॉलेज में मेरे साथ बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, मतलब मुझसे भी बहुत अच्छे। और जब मैंने फर्स्ट ईयर पास किया, BFA फर्स्ट ईयर, तो मेरी सेकंड डिवीजन आई थी, मतलब सबसे कम नंबर मेरे थे। तो मुझे बुलाकर जो हमारे प्रोफेसर थे, मिस्टर विजय मोहन और मिस्टर राजेश मेहरा, उन्होंने कहा कि भाई आपके नंबर तो बहुत कम है, कैसे करोगे? उनका, सर मैंने बहुत कोशिश की, अब और कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, कोशिश करो। फिर BFA फाइनल ईयर में मेरे को बेस्ट स्टूडेंट का प्राइज मिला, मतलब एकदम से एक मैंने बहुत मेहनत करके, कंप्लीट चेंज. हाँ हाँ एकदम बेस्ट स्टूडेंट पे मैं आ चुका था BFA फाइनल ईयर तक। फिर वैसे ही मेरा MFA में हुआ, MFA मेरे को कंटिन्यू उसमें एडमिशन मिल गया MFA में। और वहां भी मुझसे बहुत सीनियर स्टूडेंट थे, जो 5 5 साल और दो दो तीन तीन साल करके आर्ट फील्ड में काम करके आए हुए थे मेरे साथ में, वो मुझसे कहीं अच्छे थे। फिर मेरी फर्स्ट ईयर में सेकेंड डिवीजन आई, सबसे सबसे कम नंबर मेरे थे उसमें। लेकिन जब BFA फाइनल ईयर में मेरे को पंडित रविशंकर अवार्ड, जो कि वहाँ पर सबसे बेस्ट स्टूडेंट को मिलता है, वो मेरे को मिला, और काफी अच्छा हुआ। और MFA करते हुए भी मैंने एक सोलो शो किया था, जो कि ओपी शर्मा मिस्टर मेरे प्रिंसिपल थे, तो उन्होंने मेरा नाम रिकमेंडेड किया LTC आर्ट गैलरी को। LTC आर्ट गैलरी मंडी हाउस में हुआ करती थी पहले, सिद्धेश्वर दयाल उनके ओनर थे, उन्होंने मेरा सोलो शो लगाया जब मैं MFA फाइनल ईयर में था। वो एग्जीबिशन भी बहुत अच्छा गया था, उसका टाइटल था मेटामॉर्फोसिस। टाइटल रखा क्योंकि मुझे लग रहा था कि आर्टिस्ट एक आम लड़के से एक आर्टिस्ट में तब्दील होने जा रहा है, तो उसको मैंने मेटामॉर्फोसिस बोला। वो अच्छा एग्जीबिशन थी। इस तरह मैं काम करता रहा कंटिन्यू, और 1993 में मैंने MFA किया, और 1994 में मैंने फिर एक सोलो शो किया एलियंस फ्रांसिस में, फिर धूमीवल में, और फिर इसके साथ जहांगीर आर्ट गैलरी में। ऐसे मैं कंटिन्यू करता गया। तो मेरी जर्नी जर्नी जो है, आर्ट जर्नी, बड़ी स्पॉन्टेनियस आराम से चलती रही। तभी मेरा एक बार मेरा सबसे पहले न्यूज़पेपर पे नाम आया, तब शायद मैं MFA में ही था, तो मैंने अपने टीचर को दिखाया, देखो सर मेरा अखबार में नाम आया है। उन्होंने कहा ऐसे देख के अखबार, तो क्या करूं?
उसका मतलब ये था कि अभी कुछ नहीं हुआ और आगे आप बहुत कुछ करना है। और 2000 में मेरे को नेशनल एकेडमी अवार्ड मिला, लेकिन 20 साल पहले एकेडमी अवार्ड मिल चुका था, तिरनाले में पार्टिसिपेशन, बहुत सारे 20 25 1600 कर चुका हूँ पूरे वर्ल्ड में, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई मेरे को पेंटिंग्स में, कहाँ पर कभी मैं रुका हुआ हूँ, कंटिन्यू काम करता गया। सुपर। सो आपके पेरेंट्स को कब लगा कि ओके ये सही फील्ड में है, क्योंकि आर्ट फील्ड में इनकम जो स्टार्ट होता है पैसे का, ये बहुत टाइम लगता है इसको। सो आपके आपकी फर्स्ट पेंटिंग कब बिकी थी, हाउ वाज द एक्सपीरियंस, और पेरेंट्स को कब लगा कि हाँ मेरा बेटा अभी ट्रैक में है, वो अपना काम बेच के, आई मीन ही कैन अर्न नाउ। मैं पेरेंट्स को जब मैंने उनको बताया 8th क्लास में था कि मैं बीएससी करूंगा, तो उनको बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं पढ़ने में तेज नहीं था, पढ़ने में बहुत कमजोर था, 9th में मैं फेल हो चुका था, तो पढ़ने में ज्यादा तेज नहीं था। तो मैंने जब तब मैं एमएफए फर्स्ट ईयर में था, और युवा महोत्सव एक कला मेला ऑर्गेनाइज करता था पहले, साहित्य कला परिषद युवा महोत्सव के नाम से, उससे मैंने 3 पेंटिंग्स बड़े बड़े 6x8 की 3 पेंटिंग्स लगाई थी, वो तीनों पेंटिंग्स मेरी सेल हो गई थी, तब मुझे 36,000 मिले थे। 36,000 उसमें बहुत अच्छी रकम थी, मतलब आज के लगभग लगभग 30 लाख के आसपास उस समय मुझे मिले थे। तो कॉलेज से ही मैं काम अपना सेल कर रहा था, मेरे काम कॉलेज ने भी खरीदा और कॉलेज में दूसरे लोगों ने भी काफी खरीदा, काफी काम तो मेरा हमेशा बिकता रहा। तो पेरेंट्स को लगा कि ये सेल्फ सही फील्ड में है, जो फील्ड इसको चाहिए थी वो इसको मिली। कभी आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं कि आप देवानंद की तरह दिखते हैं? क्यों? क्योंकि यार तो अभी जो कुछ नहीं आपका है, स्टाइल है बैठने का, यू नो, एंड एंड ब्रश इन योर हैंड, एंड यू नो द वे यू आर ड्रेस्ड अप, यू यू एंड योर हेयर स्टाइल एंड योर लुक्स, यू लुक लाइक देखो देवानंद। सो कभी कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं ऐसे? आपने पहली बार बोला है ओके लेकिन ठीक है, अच्छा है। तो कूल। सो आफ्टर कॉलेज लाइफ कैसी थी जर्नी? बिकॉज बहुत सारे जो आर्ट स्टूडेंट्स होते हैं तो वो बहुत पैनिक में रहते हैं, या तो ये प्रैक्टिस, मतलब कॉलेज में ही पता चल जाता है कि मेरा वर्क क्या है। उसमें आप जैसे लोग, मतलब थोड़े हेड है, थोड़े पॉपुलर है, तो उनको मीडिया कवरेज मिल जाता है, उनकी वर्क कॉलेज की मैनेजमेंट सभी अप्रिशिएट करने लगती। बाकी स्टूडेंट्स को थोड़ा वो शुरू हो जाता है कि टेंशन में बाहर जाके क्या करूं। तो वो कॉलेज के बाद का लाइफ कैसा था? आई मीन हाउ वाज दैट? देखो, कॉलेज तुरंत करने के बाद मैंने एक गवर्नमेंट जॉब शुरू की थी, मतलब स्कूल के अंदर टीचिंग करने की काम, ओके, मैं छोटे छोटे बच्चों को अभी भी पढ़ाता हूँ, बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में, नाइस। तो जो फ्रीलांसर होता है वो चीज़ मुझे कोई मालूम ही नहीं है कि फ्रीलांस भी कोई चीज़ होती है। मैं कॉलेज से निकलने के बाद जॉब में आ चुका था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि भाई मैं, मेरी जो आर्ट है वो बहुत अलग आर्ट है, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में करता हूँ, तो शायद बिके ना और गैलरी के सामने मेरे को हाथ फैलाना पड़े और फिर गैलरी मेरे को मॉडिफाई करे कि भाई आप ऐसी आर्ट करो, ये रंग लगाओ वो रंग लगाओ, मुझे पसंद नहीं आता। तो मैंने एक जॉब पकड़ी थी तुरंत कॉलेज से निकलने के तुरंत बाद, लेकिन मेरी पेंटिंग्स तब भी काफी अप्रिशिएट की जा रही थी, मैंने कई शोज कॉलेज से निकलने के बाद और कॉलेज में ही लगाए थे, तो मेरा अच्छा खासा नाम था तब यंग आर्टिस्ट में, तब कॉलेज से निकलने से पहले ही मेरे दिक्कत नहीं आई, मेरा अपना पर्सनल स्टूडियो था उस समय, अभी भी मेरा पर्सनल स्टूडियो है, तो कोई दिक्कत मेरे को ऐसी आई नहीं कि कुछ करना पड़े। पेंटिंग्स मेरी तभी भी बिकती थी, आर्ट मेरी तभी भी बिकती थी कॉलेज से निकलने के बाद, कोई दिक्कत नहीं थी। सो फ्रेंड्स हु आर वॉचिंग दिस, आई सी सम कमेंट्स कमिंग इन। विशाल जोशी जी बोल रहे हैं हाय, बट बाकी लोग जो ये एपिसोड देख रहे हैं, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर हेमराज जी, फील फ्री टू आस्क, वी विल आस्क वाइल ही इज लाइव। सो हेमराज जी को के आर्ट को जो अभी तक नहीं देखे, सो आई हैव अ शॉर्ट वीडियो ऑफ हिज आर्ट अलॉन्ग विथ हिज जर्नी, एंड यू नो यू यू वुड बी सरप्राइज टू सी हिज
young photographs when he was in college days and those exhibitions and other memorable photographs. So here is a quick video of his journey. लवली पेंटिंग्स. सो हाउ डिड यू चूज दिस स्टाइल? मतलब आपने जो अभी लैंडस्केपिंग करते हैं, आप एब्स्ट्रैक्ट आर्ट करते हैं, सो वाई वाई डिड यू चूज? इज देर एनी स्पेसिफिक रीजन दैट यू चोजन दीज टू एरियाज दैट आई विल एक्सपर्टाइज और आई विल स्टिक टू दीज टू एरियाज? ओके अच्छा देखो ये जो भी आप स्टाइल है मेरा ये मेरी ग्रोथ है। मतलब हम अपनी आंखों का रंग चूज नहीं कर सकते कि मेरी आंखों का रंग ब्लू हो जाए या अपने बालों का रंग मैं ब्राउन कर लूं या थोड़ा सा डिफरेंट कर दूं या मेरी बॉडी ऐसी हो जाए। ये एक ग्रोथ है जो अपने आप गठित होती है। इसको चूज करने की जरूरत नहीं मुझे पड़ी। पहले मैं काफी अच्छा रियलिस्टिक काम कर रहा था कॉलेज में और पोर्ट्रेट मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट था। काफी सारे पोर्ट्रेट मैंने बनाए। फिर मैंने चक में थोड़ा सा इधर में हाथ आजमाना शुरू किया। एब्स्ट्रैक्ट मतलब वही वही फॉर्म्स मेरी बहुत सिंप्लीफिकेशन में आ गई जो मैं रिस्ट्रिक्ट कर रहा था। मैं एनिमल्स बर्ड के ऊपर काम कर रहा था फिर उनको मैंने और बहुत सिंप्लीफिकेशन वो करते करते एब्स्ट्रैक्ट में अपने आप आ गया। कब आ गया मुझे पता भी नहीं लगा। तो ये मैंने चूज नहीं किया है। ये मेरी ग्रोथ का एक हिस्सा है। ओके. एंड ऑल योर पेंटिंग्स आर वेरी लार्ज, मतलब बहुत बड़े आर्ट करते हो. तो हाउ इज द फीलिंग? लाइक डूइंग स्मॉल आर्ट इज वन थिंग, डूइंग लार्ज, मतलब वो इमेजिन करके उतने लार्ज स्केल में बनाना इटसेल्फ इज अ वेरी बिग टास्क. सो हाउ डू यू मैनेज दैट? जो आपके पीछे पेंटिंग है हाँ वो भी बहुत लार्ज है. सो हाउ डू यू विजुअलाइज एंड एंश्योर दैट व्हाट यू विजुअलाइज इज गोइंग इन दैट 70 mm लार्ज स्क्रीन? ओके. Yeah, we got है disconnected कि for a while. Yeah, please. यह है कि मैं शुरू से ही मुझे बड़े काम करना पसंद है। मैं चाहता हूं कि मैं आसमान को पेंट कर दूं तो फिर तो बड़ा ही काम चलेंगे। मैं कभी भी काम को काम से पहले विजुअलाइज नहीं करता। मैं उसका लेआउट या मैथिप या एक उसका लेआउट नहीं बनाता पेंटिंग्स का कि मैं इसको इनलार्ज कर दूंगा। मुझे लगता है कि जब मैंने लेआउट बना लिया उसका तो फिर इनलार्ज करके फायदा क्या, तो कॉपी हो गई। कॉपी नहीं, मैं बिल्कुल स्पॉन्टेनियस चलता हूँ पेंटिंग के ऊपर। एक के स्पोर्ट्स से मैं शुरू करता और फिर आगे वही स्पोर्ट में होता था कि अब आगे क्या करना है। और मेरा दिल इच्छा था कि मैं बड़े बड़े ही काम करूं क्योंकि मैं आसमान पेंट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए तो बड़ा स्पेस चाहिए ही चाहिए। बट वेन इट कम्स टू लार्ज पेंटिंग्स, इन्वेस्टमेंट भी वैसा ही रहता है. यू हैव टू, द मटीरियल इज एक्सपेंसिव. जो उतना लार्ज स्केल कैनवस है उसके लिए बहुत स्पेस चाहिए होता है.
हाउ डू यू मैनेज ऑल दैट? मतलब वो थॉट प्रोसेस नहीं होता यार ये तो कॉस्टली हो जाएगा, छोटा बनाएंगे फिर बाद में देखेंगे, अगर कोई पूछेगा तो बड़ा बना देंगे, ऐसा थॉट आता है? या यू आर कंप्लीटली लाइक ओके इफ आई एम डूइंग लेट मी डू इट लार्ज स्केल? नहीं, मेरे साथ क्या है कि आर्ट में एक चीज है, मतलब अगर आपके दिमाग में अगर कलर ज्यादा लग रहा है या कम लग रहा है तो फिर आप आर्ट नहीं हो सकती इससे। अगर आपने थोड़ा सा भी कलर काम करने को, मतलब आपके अंदर जैसा चल रहा है तो उसको मॉडिफाई करने की कोशिश की तो फिर आप रुक जाओगे, आपका जो स्पॉन्टेनियस काम है वो थम जाएगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। आपको ज्यादा काम, ज्यादा कलर लगाने का मन है, आप ज्यादा ज्यादा कलर लग रहा है आपसे, मैं अपनी ट्यूब भी खोल के रखता हूँ, मतलब एकदम खोलता नहीं हूँ ट्यूब को, मैं सारी ट्यूब खोल के ही रखता हूँ ताकि काम रुक ना जाए, इतना स्पॉन्टेनियस काम होता है। अगर मैंने ट्यूब खोलने की कोशिश की तो काम निकल जाएगा, वो उड़ जाएगा काम एकदम। सोचना, यहां पर भी सोचा ये वन बड़ा कैनवास, तो फिर काम नहीं होगा, फिर काम निकल जाएगा। आई एग्री विथ यू. सो वी हैव सम मोर कमेंट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स रोलिंग इन. सो पाटिल राजेंद्र जी वी सेइंग हाय एंड ही सेइंग कंग्रेचुलेशंस हेमराज. एंड सिकंदर जांगरा बोल रहे हैं नमस्कार सर. जितेन हजारिका जी कंग्रेचुलेशंस डियर हेमराज बोल रहे हैं. सो यू नो देयर सम कॉम्प्लीमेंट्स रोलिंग इन. बट या फील फ्री टू इवन आस्क क्वेश्चंस विच यू कुडंट आस्क अबाउट हेमराज जी नाउ दैट ही इज लाइव. एनी सीक्रेट्स यू आर नॉट अवेयर ऑफ हेमराज जी प्लीज फील फ्री टू आस्क. सो एनी टाइम इन योर लाइफ डिड यू हैव एनी डिस्ट्रैक्शंस वेयर यू हैड टू मूव अवे फ्रॉम आर्ट फॉर अ वाइल और कुडंट डू आर्ट? एनी डिस्ट्रैक्शंस इन योर लाइफ? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, मैं कंटिन्यू काम करता रहा, रोज काम करता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन छोड़ दिया, 5 दिन छोड़ दिया, ऐसा नहीं करता, रोज मैं पेंटिंग बनाता हूँ रोज के रोज, तो कभी काम मेरा रुका नहीं। और बहुत बहुत मतलब मैं अपने स्टूडियो को बोलता हूँ आर्ट फैक्ट्री, जहाँ पर फैक्ट्री की तरह काम होता है, आर्ट फैक्ट्री, मतलब कलर भी इतने लगते हैं, कैनवस भी इतने लगते हैं, बिल्कुल फैक्ट्री तरह ही नजर आता है स्टूडियो, तो काम कभी सो रुका। हाउ अबाउट योर यू नो वर्क लाइफ बैलेंस? मतलब आप अपने वर्क और लाइफ यू नो फैमिली लाइफ को बैलेंस कर पाते हैं और यू आर कंप्लीटली ग्लूड इन टू आर्ट? सो व्हाट्स योर स्टाइल ऑफ यू नो एज एन आर्टिस्ट व्हाट्स योर स्टाइल ऑफ मैनेजिंग फैमिली एंड यू नो वर्क? देखो, सुबह मैं उठता हूँ 7, 6:30 बजे, फिर स्कूल, स्कूल से 2 बजे मैं घर आ जाता हूँ, घर पर चाय वगैरह पीने के बाद सीधा स्टूडियो में, स्टूडियो में पेंटिंग करने के बाद 11 बजे, 11:30 बजे वापस घर, ऐसे मेरा ट्रायंगल बनता है। फैमिली भी चलती है, संडे को कोई काम नहीं करता, संडे फैमिली डे होता है, संडे को कोई काम नहीं करता, इतने फैमिली भी चलती है और आर्ट भी चलती है और स्कूल भी चलता है एक साथ। मेरी आर्ट सुबह 7 बजे से स्टार्ट हो जाती है 11 बजे तक। योर मोस्ट मेमोरेबल एग्जीबिशंस दैट यू नो वेर यू शोकेस यू नो ये गैलरीज में और कहीं पे जहाँ पे बहुत मेमोरेबल थी, इट इज़ नॉट दी अमाउंट ऑफ आर्ट सोल्ड बट आपको वो बहुत फ्रूटफुल लगा, ऐसा कुछ मोमेंट? जब मेरी पहला एग्जीबिशन हुआ था एलटीडी आर्ट गैलरी में, वो गैलरी का साइज इतना बड़ा नहीं था और मेरे काम काफी बड़े बड़े थे। उसमें एक आर्ट क्रिटिक हुआ करते थे, कृष्ण चैतन्य, उन्होंने मेरे बारे में बहुत अच्छा लिखा था उसने अखबार के अंदर, न्यूज पेपर में, तो मुझे लगा हाँ जो मैं करना चाहता था वो अब हो रहा है। और वो मतलब पहले आर्ट क्रिटिक अपने आप गैलरीज में जाते थे, लिखते थे, जो आजकल कम हो गया है, पहले वो खुद ही आर्टिस्ट जाके मिलते थे, उनकी एग्जीबिशन में जाके अपने आप लिखते थे बिना बुलाए, वो अच्छा सा माहौल था और काफी अच्छी एग्जीबिशन मेरी हो रही थी, सबसे पहली एग्जीबिशन। ओके
और अब नहीं हो गई है, अब बस करते रहते हैं, रूटीन हो गया अब। सो अ फ्यू मोर कॉम्प्लीमेंट्स कमिंग इन. रेणु बाला कश्यप राजपूत जी बोल रहे हैं, शी इज़ कमेंटिंग, हेलो हेमराज सर, कंग्रेचुलेशंस. सोना शर्मा जी हैज़ अ क्वेश्चन, डू यू समटाइम्स गेट स्टक ऑन सम पेंटिंग्स? तो ऐसा होता है जब आप कुछ करना चाहते हैं बट यू आर स्टक. ये तो काफी बार होता है, क्या होता है कि हम पेंटिंग कर रहे हैं और कुछ डिस्टरबेंस बीच में आ गई, मतलब आपका ध्यान लगा हुआ है और एकदम कोई फोन आ गया या फिर कोई किसी ने नॉक कर दिया दरवाजे पर, या कोई असिस्टेंट आके बोला ये सर, तो फिर एकदम लिंक टूट जाता है पेंटिंग से और फिर वो पेंटिंग दोबारा से स्टार्ट होती है, पेंटिंग ऑन पेंटिंग। पहले पेंटिंग चल रही थी उसी पेंटिंग के ऊपर, फिर दोबारा से पेंटिंग शुरू हो जाती है, जिसमें कि फिर उसको संभालना, उसको फिर करना बहुत मतलब, लेकिन जो पेंटिंग निकलती है बाद में वो और ज्यादा अच्छी होती है। हाँ डबल इफेक्ट जो लगाया हुआ है उसमें. काफी बार अटक जाता है पेंटिंग। सो व्हाट्स योर मंत्रा टू गेट आउट ऑफ इट, लाइक गोइंग बैक, जहां पे स्टक हुए थे उसको वापस जाने के लिए क्या करते हैं? आई मीन व्हाट इज द सजेशन यू हैव फॉर अदर आर्टिस्ट हु आर गेटिंग स्टक? कुछ नहीं, वो पेंटिंग जो पहले से ही वो तो खत्म हो जाती है, वो खत्म, क्योंकि वो आप अपने है, अपने अंदर है ही नहीं, उससे लिंक हमारा टूट गया, जैसे कि कॉल चल रही है और फिर कॉल हट गई तो फिर दोबारा कॉल मिलानी पड़ेगी, आपको मतलब दूसरी कॉल मिलानी पड़ेगी, ऐसे ही दूसरी पेंटिंग के ऊपर पेंटिंग करना पड़ेगा। ओके, सो रीस्टार्ट, बेसिकली रीस्टार्ट द एंटायर स्टफ. दीपक कुमार अंबुज पूछ रहे हैं, हैव यू एवर थॉट अबाउट योर पेंटिंग्स लाइफ टेक्निकली? मतलब कभी इवैल्यूएट किया है कि इसकी लाइफ कितनी होगी टेक्निकली, मतलब किसी लैब को बेच के इसकी लाइफ कितनी होगी, वैसा कुछ किया हुआ है आपने? तो शुरू में मैं सोचता था कि पेंटिंग की लाइफ बहुत होनी चाहिए, क्योंकि जब तक पेंटिंग जिंदा है आर्टिस्ट जिंदा है, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब ये बात आर्टिस्ट के अहंकार की बात है, मतलब वो अपने आप को अमर बनाना चाहता है, वो अमरत्व पाना चाहता है पेंटिंग के द्वारा, वो पेंटिंग के द्वारा अपने को अमर करने की कोशिश है कि मेटेरियल इतना अच्छा हो पेंटिंग चलती जाए, वो रहे दुनिया में। लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं, जो नहीं, रहेगी, जो भी लाइफ ज्यादा है वो तो प्लास्टिक है, और जो भी चीज शाश्वत बन जाए वो दुनिया का नुकसान ही करेगी, फायदा कभी नहीं करेगी, इसलिए बनाओ पेंटिंग खत्म हो जाए ठीक है, नो प्रॉब्लम, अब लाइफ के बारे में पेंटिंग के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पेंटिंग करनी है, कितनी लाइफ होगी जरूरत नहीं इसके बारे में सोचने की। गुड पॉइंट. आई लाइक दैट. आई मीन कंप्लीटली अ डिफरेंट परसेप्शन ऑफ द लाइफ ऑफ अ पेंटिंग. गुड वन, गुड गुड क्वेश्चन दीपक. आई रियली लव दिस क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम डॉक्टर स्नेहा जी, विच इंडियन और वेस्टर्न एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट इज योर मोस्ट फेवरेट एंड वाई? आपका इंस्पिरेशन कौन है और यू नो हु इज योर फेवरेट? पहले मुझे अपने टीचर मिस्टर राजेश मेरा बहुत पसंद है, आज भी उनकी पेंटिंग देखते हैं तो वो आज की पेंटिंग लगती है, और पॉल किली, मीरो, कैंडेंस की वहां के पेंटर्स मुझे बहुत पसंद थे, लेकिन अब मेरे को पसंद नहीं है, पहले पसंद थे, अब मेरे पसंद क्यों नहीं है, क्योंकि अगर इनसे आगे निकलना है तो इनको नापसंद करना ही होगा, अगर आप इनसे आगे जाना चाहते हैं तो इनको छोड़ना पड़ेगा, इनको इनसे निकलना ही पड़ेगा, अब मेरे को इतना ये पसंद नहीं आते, अब मुझे अपनी पेंटिंग ज्यादा पसंद है इन लोगों से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम स्नेहा जी, व्हेन डू यू नो दैट योर पेंटिंग इज कंप्लीट? सो कब लगता है कि आपकी पेंटिंग ओके दिस इज डन, आई डोंट हैव टू पुट अनदर ब्रश अगेन, अनदर कलर ऑन इट अगेन? देखो जब मैं पेंटिंग स्टार्ट करता हूँ
एक ब्रश के स्ट्रोक से, तो फिर वो ही गाइड करता है कि अब आगे कौन सा कलर कैसे लगाना है, क्या स्टेज डिवीजन होगी, कौन सी कलर स्कीम होगी, सारा कुछ वो ही मेरे को गाइड करता है। और जब वो करते करते एक फिर बाद में मेरे को एक आभास लाता है कि अब पेंटिंग खत्म हो चुकी है, वो पेंटिंग ही खुद बोलती है कि पेंटिंग खत्म हो गई अब छोड़ो। एक एक स्पार्क वहां से होता है आर्टिस्ट के अंदर, वो बहुत सेंस बहुत इतना धीमा होता है, उसको पकड़ना वेरी डिफिकल्ट, वो बड़े अभ्यास से आता है, वरना वो टाइम छूट जाए तो फिर पेंटिंग करते रहते हैं, उसके ऊपर पेंटिंग ऊपर पेंटिंग पेंटिंग ऊपर चलती रहती है, और पता ही नहीं लगता कि पेंटिंग कहाँ खत्म कर दिया है। इसलिए बहुत जागरूक अवस्था में रहना पड़ता है कि कब वो मैसेज हमें मिलेगा कि पेंटिंग खुद बोलेगी कब छोड़ो, पेंटिंग खत्म हो गई। इसलिए मैं डिसाइड नहीं करता कि पेंटिंग खत्म हो गई कि नहीं हुई, पेंटिंग खुद डिसाइड करती है कि पेंटिंग खत्म खत्म हो गई, छोड़ो छोड़ो अब मुझे खत्म। छोड़ो। ओके सो देर आर सम मोर कॉम्प्लीमेंट्स कमिंग इन। तपन मेहता इज सेइंग कंग्रेचुलेशन सर, एंड सिरिशा माय वाइफ इज सेइंग स्नेहा जी ऑन 25th सक्सेसफुल एपिसोड्स, कंग्रेचुलेशंस, मेनी मोर टू गो। एंड सोना शर्मा जी बोल रहे हैं वेरी इंस्पायरिंग दैट यू आर टेलिंग योर रियल थॉट प्रोसेस टू द ऑडियंस। एंड तुतु पटनायक जी ज्वाइन हुए हैं, ही इज सेइंग हाई हेमराज, आई हैव बीन वॉचिंग यू सिंस यू स्टडी योर स्टडी टाइम, आई मीन स्टूडेंट टाइम, डूइंग ग्रेट जॉब एज ऑलवेज, विशिंग यू अ ब्रिलियंट फ्यूचर अहेड। सो दिस इज यू नो ब्लेसिंग्स फॉर यू फ्रॉम तुतु पटनायक जी। थैंक्स अ लॉट तुतु पटनायक जी फॉर वॉचिंग एंड यू नो शेयरिंग दिस कॉम्प्लीमेंट्स फॉर हेमराज जी। बट या वॉट इज दैट यू रियली लाइक्ड अबाउट यू नो हेमराज जी, प्लीज बताइए, एज अ स्टूडेंट अपार्ट फ्रॉम हिज वर्क, एज अ पर्सन वॉट डिड यू लाइक? तो पटनायक जी दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, यू नो एज अ पर्सन वॉट डिड यू लाइक इन हेमराज जी? एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दीपक कुमार अंबुज, हेमराज कैन यू से समथिंग अबाउट आर्ट स्टडी इन कॉलेजेस इन इंडिया देन एंड नाउ? सो वट इज द डिफरेंस यू सी वेन यू वर स्टडिंग एंड नाउ इन द कॉलेजेस? देखो, कॉलेजेस में जाना आर्टिस्ट के लिए एक तरीके से जरूरी भी होता है, क्योंकि एक डिसिप्लिन के साथ काम होता है कि आपको ये काम रोज करना है, ये काम क्रमबद्ध तरीके से हम करते हैं। लेकिन अब वो पूरा पूरा सिलेबस पुराना हो चुका है, हम पुराने धरने को ही खींच रहे हैं, अब कुछ नया होना चाहिए, नए टीचर नई सोच के साथ कॉलेज में होने चाहिए, जो कि अब कम है। नए टीचर चाहिए नए एजुकेशन के साथ में, नए आइडियाज के साथ में, नए सिलेबस के साथ में। अब एक तो कॉलेज के अंदर एकेडमिशियन नहीं है, टीचर्स नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, और वो सब पुराने टेक्निक्स के द्वारा ही पढ़ा रहे हैं जो कि नई होनी चाहिए थी, और उनको और टीचर्स उसमें रखने चाहिए जो कि अच्छे, जिनको अच्छा काम आ जाता हो। और मैं सोचता हूँ कि कॉलेज को परमानेंट ना रखकर टीचर वो उसमें इनवाइट कर सकते हैं बड़े बड़े आर्टिस्ट को, सीनियर आर्टिस्ट को, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए कंटिन्यू, कि आप हमारे आकर बच्चों को सिखाएं, स्टूडेंट्स को सिखाएं, वो इनवाइट कर सकते हैं। एक फैकल्टी के साथ में वो रहे तो बहुत अच्छी बात है, पहले हमारे टाइम में होता था जो अब नहीं है। When it comes to मतलब मैं अभी after speaking to so many artists and you know 25 episodes, मैं जब भी कहीं जाता हूँ I look at the art, okay, is it real or is it a digital print? And there are a lot of digital prints there, and you know a lot of people are you know moving towards digital art. So do you feel it has the same value of you know artist who is working for an hours together? Or you know somebody who's just you know working on a pad or you know something in a system and you know creating digital art versus you know
the normal abstract act where, you know, somebody is, you know, doing it with, you know, colors and a brush. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ टूल्स है. Okay. जो कंप्यूटर है, जो डिजिटल है, वो एक टूल्स है. जैसे हमारे पास ब्रश है, वहां पर माउस है. उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किससे अपना आर्ट कर रहे हैं, आप डिजिटली कर रहे हैं या ब्रश से कर रहे हैं. मेन तो रिजल्ट क्या है, रिजल्ट मेन है. अगर वो अच्छा है तो कैसे भी करें, उससे फर्क जरा भी नहीं पड़ता. आप डिजिटल करें, ब्रश से करें, या स्टोन को काट के करें, या फाइबर से करें, मेटल में करें, इंस्टॉलेशन करें, कैसे भी करें, सब टूल्स हैं. मेन तो रिजल्ट है. थैंक यू. So we have more congratulations. Mohammed Iqbal sculptor, he is also saying congratulations, sir. And yeah, Wazda Khan, she has a question in Hindi. Hemraj, आप अपनी आर्ट को खुद अपने जीवन में कहाँ पाते हैं? जहाँ जब आपने पेंटिंग करना शुरू किया था तब से लेकर आज तक की आपकी कला यात्रा में, सो खुद को अपने जीवन में कहाँ पाते हैं? सो टोटल जर्नी में आर्ट को कब पाते हैं? सो सॉरी, मेरी हिंदी थोड़ी टाइम लगता है ऐसी पढ़ने के लिए, बट गुड क्वेश्चन वज़दा खान जी. ये पूछ रहे हैं कि आपके जीवन में जो आपकी आर्ट है वो कैसे संबंध रखती है. देखो, आर्ट जो है वो उस आर्टिस्ट का एक आईना जैसा है. मतलब वो उसका रिफ्लेक्शन है. वो जो भी है वो उसकी पेंटिंग में दिखता है. जो भी उसका, जो भी वो अंदर से और बाहर से जैसा भी है वो उसकी आर्ट में दिखता है. तो उसको अलग से नहीं रख सकते कि संबंध है कि नहीं. अगर संबंध है तो वो आर्ट है, अगर संबंध नहीं है तो वो आर्ट है भी नहीं. अगर आर्टिस्ट रिफ्लेक्ट नहीं होता उसकी आर्ट में, आर्ट अलग दिखती है और वो अलग दिखता है, दोनों मैच नहीं करते, तो मतलब वो कहीं ना कहीं नाटक हो रहा है. जैसे तो जोकर करता है सर्कस के अंदर, वो कुछ और होता है और एक्ट वो कुछ और कर रहा होता है, हंस रहा होता है, हो सकता है वो अंदर से दुखी हो. तो अगर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा आर्टिस्ट, तो फिर वो आर्ट नहीं है. फिर तो एक्टिंग हो गई, एक्ट हो गया, फिर वो किसी काम का नहीं. Got you. So again, पंकज मानव जी हार्टियस्ट विशेस बोल रहे हैं आपको. सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जब लैंडस्केपिंग देखते हैं या पोर्ट्रेट देखते हैं या स्कल्पचरिंग देखते हैं, यू नो स्पेशली अबाउट सम एनिमल्स और नेचर, पीपल कैन मेक आउट. बट व्हेन इट कम्स टू एब्स्ट्रैक्ट, यू माइट कम अक्रॉस, you know, critics who say, you know, can you say what are you trying to, you know, show here? You know, they, or, you know, a buyer might say, I really liked it, I want to buy. But can you put your thoughts as to what is in it? What did you see as an artist when you did it? So aise questions ko kaise handle karte hain? You know, when somebody is asking, you know, whether before buying or after buying, or, you know, person who is just viewing it in the gallery, how do you manage that? ये तो हमारे साथ होता ही है हमेशा, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है कि हम लोग रोटी रोजी में ही अटके हुए हैं. ना तो आर्ट गैलरी जाते हैं, ना म्यूजियम जाते हैं, और अचानक से हम पेंटिंग देखते हैं और फिर पूछते हैं कि ये क्या है. आप कोई भी लैंग्वेज सीखें, चाइनीज लैंग्वेज सीखें, फ्रेंच लैंग्वेज सीखें, और एकदम तो किताब पढ़नी शुरू कर दे तो पढ़ेंगे ही जाएगी ना, फिर सबको पूछना ही पड़ेगा. वो अचानक से एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग देखते हैं, वो भी ऐसी पेंटिंग जो कि जिसमें कि फॉर्म्स अननोन है, जो जाने पहचाने फॉर्म्स या उसके बारे में वो जानना चाहते हैं. तो मतलब ट्रांसलेशन, अब वो ट्रांसलेशन मांगते हैं विजुअल आर्ट का शब्दों में, और विजुअल आर्ट का शब्दों में ट्रांसलेशन नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता. विजुअल आर्ट का ट्रांसलेशन विजुअल आर्ट में ही होगा, विजुअल तरीके से ही होगा. या तो वो आर्ट का आर्ट में ही होगा, या तो पोएट्री में हो सकता है उसका ट्रांसलेशन, या डांस में हो सकता है, म्यूजिक में हो सकता है, लेकिन शब्दों में हो जाए ये मुझे नहीं लगता.
फिर भी हम उनसे बात करते हैं, आप विजुअल आर्ट को समझाने की, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को समझाने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा बहुत उनको समझ में आता है। So if you have to describe the art which is behind you, so what is it? I mean, we can only see a portion of it. You know, it's an awesome, you know, color. It's also an abstract art, right? अच्छा पेंटिंग के बारे में फिर आप वैसे ही बात कर रहे हैं जैसे वो गैलरी के लोग। देखो समझाने का खेल ही हम यहाँ पे तो गड़बड़ कर देते हैं ना। आजकल क्या होता है कि पहले क्या होता था कि हम बच्चों को सिखाते थे ए फॉर एप्पल, मतलब ए बनाएंगे फिर एप्पल बनाएंगे। आजकल की किताबों में अब वो समझ गए हैं, अगली किताब में ए नहीं बनाते, एप्पल ही बनाएंगे, उसको एप्पल ही बोलेंगे एप्पल। और जो मैथ है, मैथ से की किताबों में भी जो हम प्लस या माइनस के सवाल उसके अंदर सीखते हैं, तो उसमें फॉर्म बनाते हैं वो, और फॉर्म से फॉर्म को डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, वर्ड नहीं लेके आते हैं। छोटे बच्चों के लिए बता रहा हूँ, छोटे बच्चे बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो समझाने का नहीं, सिर्फ हाँ साथ में। अगर आप साथ में रहने लगोगे पेंटिंग के साथ में, आर्टिस्ट के साथ में, तो आप अपने आप ही आपको सब महसूस होने लगेगा कि है क्या। और एक बार एब्स्ट्रैक्ट आर्ट आपको देखनी आ गई, समझने की बात नहीं है, सिर्फ देखनी आनी चाहिए, तो फिर आपको कुछ और जमेगा नहीं। जितनी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो भी आप हमारी जितनी प्लीज। भी दुनिया में अच्छी चीजें हैं वो बेसमझ की हैं। अब हवा बोले आप, हवा चल रही है, क्या मतलब है इसका? एक आदमी किनारे कुछ लगा बैठा हुआ है, क्या मतलब है इसका? एक आदमी झरना देख रहा है, क्या मतलब है इसका? एक आदमी एक आदमी किसी से प्रेम करता है, क्या मतलब है इसका? जितनी भी अच्छी चीजें दुनिया में है बेमतलब की है, मतलब सबसे अच्छी चीज है। जिन्हें सब जिंदगी जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ वो अपना आप ही फील होती है। वी हैव सम मोर कमेंट्स कमिंग इन। बेस्ट विशेस फ्रॉम नजीम, यू नो, सेइंग विच विशेस फॉर द ग्रेटर हाइट्स। दिस इज फॉर यू सर। एंड नारायण आर्टिस्ट बोल रहे हैं, वंडरफुल वर्क, आई लाइक योर कलर पैचेस इन डिफरेंट वेज ऑन द टॉप ऑफ सम ब्यूटिफुल सिंप्लीफाइड लाइन वर्क्स। आई एम सो हैप्पी टू सी योर वर्क हेमराज जी। सो दिस इज़ फ्रॉम एम नारायण आर्टिस्ट। एंड तुतु पटनायक जी बोल रहे हैं, हेमराज आई वॉन्ट टू नो वन थिंग फ्रॉम यू, बीइंग ए पेंटर फ्रॉम इंडिया, हाउ डू यू डिफरेंशिएट योर सेल्फ फ्रॉम ग्लोबल आर्ट प्रैक्टिस? ये तुतु हाँ पटनायक जी पूछ रहे हैं। देखो पहले क्या था कि मैं पुराने आर्ट की बात बता रहा हूँ, जो अब 70s 75 के आसपास के होंगे, उन आर्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। पहले उस टाइम की बात कर रहा हूँ, पहले हम पेंटिंग को जानबूझकर इंडियनाइज करने की कोशिश करते थे। इंडियनाइज कैसे करते थे? उसको चांद बनाएंगे उसके अंदर, या इंडियन ड्रेस बनाएंगे, इंडियन नाक तिलक लगाएंगे, ओम बनाने की कोशिश करेंगे, मतलब इंडियन लगना चाहिए पेंटिंग। लेकिन इन चीजों से पेंटिंग इंडियन नहीं बन जाते। पेंटिंग्स अगर आप इंडिया में काम कर रहे हैं, तो आपके पास जो माहौल है, आपके जो एटमोसफियर है, आपकी जो जीवन शैली है, वो इंडियन है। आप जो भी करोगे वो इंडियन ही होगा। लेकिन अब ग्लोबलाइजेशन का मामला है, दुनिया जुड़ चुकी है, बाउंड्री खुल चुकी है, तो वहां अमेरिका के अंदर जो हवा चल रही है वो मुझे भी टच होती है, जो यूके में हवा चलती है वो मुझे भी टच होती है, तो आप अलग से नहीं कर सकते। हम सब एक साथ एक जैसा काम कर रहे हैं, एक ही जैसा, मतलब एक साथ। अब वहां का भी हवा मुझे लगती है, तो वहां का भी प्रभाव मेरी पेंटिंग में आता है, और मेरी हवा उनको लगती है, तो मेरा भी प्रभाव उनके उनको वहां जाता है, उसे मैच करते हैं। इसी नेताओं की बात है कि इंडियन 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 इंडियन, या वेस्टर्न वेस्टर्न वेस्टर्न, ये सिर्फ पॉलिटिकल जैसी बातें लगती हैं। आर्टिस्ट के लिए इसका कोई मतलब नहीं है।
आई वॉज अबाउट टू आस्क दैट क्वेश्चन, यू नो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, सो वॉट इज़ योर प्रिफरेंस विद रेस्पेक्ट टू यू नो रिलीजियन, यू नो पॉलिटिक्स एंड सम ऑफ दीज थिंग्स इन आर्ट, बट आई थिंक यू आंसर्ड दैट ऑलरेडी. बट आप देखते हैं एनी ऑफ दीज थिंग्स आर कवर्ड इन एनी ऑफ योर पेंटिंग्स? अगर कोई क्लाइंट पूछता है, कस्टमर पूछता है कि मुझे ऐसे बनाए, डू यू प्रूव दैट और यू से ओके आई यू नो दिस इज नॉट माई यू नो स्टाइल ऑफ वर्क? मैंने कभी किया नहीं है, क्योंकि मैं तो कलर भी चेंज नहीं कर सकता अपने पेंटिंग्स के, कि कोई बोले कि मेरे को इस कलर के अंदर पेंटिंग चाहिए या इस साइज में चाहिए, तो मैंने कभी किया नहीं. मैं अपने तरीके से, अपने साइज में, अपने कलर्स में, अपनी सोच पे काम करता हूँ. कभी मैंने ऐसे किसी के कहने पर काम नहीं किया. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सर, यू नो इन योर एंटायर जर्नी, who are the best artists, eminent artists you got a chance to you know be with them, be around with them, meet them or learn from them? So ye journey mein kaun sare artists aapke dost ban gaye hain? mere dost ban gaye hain. Yes, survey nahi paya question, dobara se question repeat kare please. Yeah, kaun se artists ko aap mile, eminent artists ko aap mile aapke journey mein, ओके जो आपके जर्नी के पार्ट हुए हैं, द पार्ट ऑफ योर जर्नी, या गैलरी में मिले हो, या ट्रिप्स में मिले हो, शोकेसेस में मिले हो? नहीं, मेरे टीचर्स है ना, मिस्टर राजेश मेहरा, ओके ग्रेट आर्टिस्ट. ओके, सो एनी फ्रेंड, सॉरी यू वर सेइंग समथिंग. आज भी उनकी पेंटिंग्स अच्छी लगती है, कंटेम्पररी. ट्रू. Any friends whom you want to give credit to, जो artist नहीं है, okay, but आपके आपको बहुत support किए from college days when you are building your career and all that, वो उनको भरोसा था कि या तुम हेमराज you will be a good artist, just stick on to this, ऐसे कोई दोस्त? No, so it was all okay. So, you know, we have some more questions. Snehalata ji pooch rahe hain, is there any chance of your personality and after lockdown? Changes in your personality after lockdown? Kuch changes hue hain kya? Personality shuru se main aisa hi hu bas. Mere pichhe custom mein the, custom officer. तो कस्टम में उनको कंपनी वाले बड़े एकदम नए फैशन वाले कपड़े उनको मिलते थे, तो मुझे लगा देते थे इमरान ये पहन के देखो, जरा ये पहन के देखो, तो बिल्कुल मॉडर्न कपड़े मैं पहनता था शुरू से. मेरी स्टाइल ऐसे ऐसे ही रही है, सारे ड्रेसेस मेरे मॉडर्न बिल्कुल नए. ओके, चल रहा है, चेंज तो कुछ नहीं आया. सो अनूप, या सिरिशा इज सेइंग ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्ड सर जी, एंड अनूप मित्रा जी बोल रहे हैं कंग्रेचुलेशन हेमराज सर, कैन यू प्लीज गाइड यंग अपकमिंग आर्टिस्ट दैट हाउ कैन दे कम अप विद देयर वर्क इन फ्रंट ऑफ आर्ट लवर्स, बायर्स एंड कलेक्टर्स? सो अनूप मित्रा क्वेश्चन. देखो, सबसे पहले जरूरी तो बात ये है कि आप कंटिन्यू अपनी पेंटिंग करते रहें. आपकी पेंटिंग बनती है, पेंटिंग बनेगी तो आर्टिस्ट बनेगा, ज्यादा पेंटिंग बनेगी तो ज्यादा आर्टिस्ट बनेगा. पहले तो आर्ट करके आपको आर्टिस्ट इस्टेब्लिश करना है कि आप आर्टिस्ट बन गए हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, कंटिन्यू काम करें. और काम भी कैसे करना है, काम आपको अपने तरीके का काम करना है, जो आप हैं वो काम करें, तभी आप इंडिविजुअल टिक पाओगे, वरना दूसरों की कॉपी कॉपी में ही लग जाओगे. जैसे आप हैं वैसे ही काम करें, जो आप छिपाना चाहते हैं उनको सामने लेके आए कैनवस पर, पेंटिंग पर वो बनाए, जो आप अंदर से हैं उनको दिखाएं, वो दिखाएं पेंटिंग में. और आपको एक्टिव रहना है हर तरीके से. अगर आपको आर्टिस्ट रहना है तो मतलब पेंटिंग भी करना है और आपको बिल्कुल अपने आप को दिखाना भी है. बोलते हैं ना कि जो दिखता है वही दिखता है. और जब आपकी पेंटिंग बनेगी तो ये है कि उसकी खुशबू भी फैलने लगती है. जैसे आपके घर में कहीं दाल बनती है तो दाल की खुशबू फैलने लगती है ना, वो आपको खींच के ले आती है. ऐसे ही आपकी पेंटिंग, अगर पेंटिंग बनती है तो अपने आप
बायर्स को भी पकड़ के लेके आए। मेरा ये मानना कि आपकी इधर पेंटिंग बनती है और उधर उसका खरीदने वाला भी बनता है। गॉट इट. दिस इज ऑलमोस्ट लाइक ए लव स्टोरी कि आपके चाहने वाले भी कहीं पैदा हो चुके हैं. सो सिमिलर वे आई थिंक जब पेंटिंग बनती है तो उसके बायर भी कहीं पे हैं. देर ऑल्सो मेड सुपर वेरी वेरी गुड क्वेश्चन अनूप मित्रा एंड वेरी वेल आंसर्ड हेमराज जी. नजीम is asking absolutely we need to be living in the boundaryless world. This is in response to your questions about global scale artwork. Ajay Samir ji hello bol rahe hain. Hello Hemraj ji. Niku Guleria, I like your style of connecting with layman and making him understand what art especially means, but can you explain how existential practice of art can be saved from technological invasions. Sorry. So technological invasions से जो existing जो experimental practices है उसको कैसे save कर सकते हैं art में. That's our question. This is from Niku Guleria. तो सेव तो वो होगी, अब जो डिजिटल आर्ट है वो हार्ड डिस्क में सेव होती है. और मैं किस क्वेश्चन को ठीक से समझ नहीं पाया, दोबारा से बता देना, मुझे लग नहीं रहा समझ पाया तो क्या क्वेश्चन था. तो सेम क्वेश्चन लाइक हम लोग ने डिजिटल आर्ट के बारे में बात किया था. So Niku ji, he's already answered this question earlier in the this thing. So any technological invasion या digital art है, so वो कभी भी, I mean that is also art. Sir ने ये बताया है कि उस वो भी tools हैं. So it doesn't really make a difference whether you're doing existential practice of art versus technological invasion. So basically it's the same question, sir, rephrased. But do you want to add anything? You can tell her the response. नहीं ठीक है, अगर आप डिजिटली करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है. अब देखो एक कैमरा है, कैमरा फोटोग्राफी हम उससे करते हैं. और कोई बोलता है कि मैं ना, अब कैमरे के पीछे पूरा कंप्यूटर है, पहले नहीं था. पहले जो है वो सिर्फ कैमरे के अंदर है, उसमें अपर्चर और ये सब स्पीड ये सब उसी के अंदर है. उसके बाद हम बहुत कम उसको मॉडिफाई कर सकते थे, फिर डेवलपिंग में थोड़ा कर सकते हैं, एक्सपोजर में थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत ज्यादा चांसेस उसके अंदर एडिट करने के थे नहीं. लेकिन आज कैमरे के पीछे पूरा का पूरा कंप्यूटर है. और कोई बोलता है फोटोग्राफर की नहीं मैं तो इस्तेमाल नहीं करता, तो बेवकूफी है उसकी जो नहीं करता. अगर है आपके पास, है आपके पास टूल्स हैं, मेरे पास कोई ऐसा ब्रश है जो अपना आप चलता हो, या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो जाए जो मेरे यहाँ पर ब्रश उंगली के ऊपर ही मेरे बाल आ जाए और मैं उससे हाथ से काम करूँ ऐसे करके, तो बुराई क्या है इसमें, तो अच्छी अच्छी बात है. टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूरी है करना चाहिए. या निकू, आई होप यू रिसीव द आंसर रिस्पॉन्स फॉर दैट. दीपक कुमार पूछ रहे हैं व्हाट डू यू मीन बाय एब्स्ट्रैक्ट. Means there is always something when you say nothing. Nothing is always something. When you paint abstract, there is always real paint, real patches, which is realistic. So how can you say that this is abstract, this is realistic? Please tell. So how do you differentiate between realistic and abstract art? So this is Deepak Kumar Ambuj. आप कुछ भी करो, किसी को भी जानना हो, आपको किसी भी चीज को जानना हो, अगर आप एक फ्लावर्स को जानना चाहते हैं, फूल को जानना चाहते हैं, तो आपको उसको तोड़ना पड़ेगा, उसकी पत्तियां पत्तियां अलग करनी पड़ेगी, उसको निचोड़ना पड़ेगा, और उस दौरान वो खत्म हो जाए, फूल फूल नहीं रहेगा. ऐसे ही आर्ट को जानने के लिए उसको फिर खोलना पड़ता है. ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, ये फिगरेटिव आर्ट है,
ये सेमी एब्स्ट्रैक्ट है, ये वॉटर कलर है, ये लैंडस्केप है, ये सिर्फ आर्ट को जानने के लिए उसको डिवाइड करना है, उसके पार्ट करना है। पार्ट करने से अलग अलग आता है सब, जबकि सारी चीजें एक ही हैं। आर्ट हर तरफ बराबर ही बहती, चाहे वो फिगरेटिव हो चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट हो, सिर्फ जानने के लिए कैटेगराइज करना इनको पड़ा, ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये एक लगाने के लिए, जैसे हम फाइल लगाते हैं, फाइल का नाम रखा है, फर्क कुछ भी नहीं है, दोनों तरफ बराबर। जो आर्ट के एलिमेंट है उधर भी यही काम करते हैं, और फिगरेटिव में भी वही काम करते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट में भी वही काम करते हैं, फर्क जरा सा भी नहीं है, सिर्फ जानने के लिए इनको अलग अलग किया गया है। Thank you for that response. Good question, Deepak. The next question is, sir, about your dream project. So, what's next? Kya, what's cooking, and what are you working on? So, what do you want to accomplish? अभी मेरा जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो है पब्लिक आर्ट करने का। टूटू तो काफी करता है, मेरा पब्लिक आर्ट करने का है, ताकि मैं बड़े बड़े, मेरे पास बहुत सारे मैकेट हैं, उनको मैं इलाज कर सकता हूँ, लेकिन अभी ऐसे रिसोर्सेज मेरे को नहीं मिल पा रहे हैं कि मैं उनको इलाज कर पाऊँ। मतलब बड़े प्रोजेक्ट है दिमाग में है, उसके मैकेट तैयार हैं, ड्रॉइंग्स हैं, सब कुछ तैयार है, उसका रिसोर्स मेरे को चाहिए जो उसके ऊपर इन्वेस्ट कर सके पब्लिक आर्ट के लिए। Good, good one. So all the best with your dream projects. So this is the last question. Saying Deepak, Nazim ji बोल रहे हैं, that's interesting point, Hemraj ji, and Anup Mitra ji बोल रहे हैं, thank you, very nicely said. And Pankaj Manav ji पूछ रहे हैं, how can a layman connect to an abstract work? How do you identify it's art or not? So, जो layman होता है जिसको आर्ट के बारे में कुछ पता नहीं, how can he connect with an abstract art and how does he identify whether it is art or not? देखो, लेमैन बड़ा उल्टा सा मामला है, सोच के देखे तो लेमैन इतने सवाल नहीं उठाता। ये सारे सवाल उठाने वाले सभी जानने वाले लोग हैं लेमैन इतने सवाल उठाता नहीं, वो सहज होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सहज होती है, तो थोड़ा बहुत जान जाए उसके लिए दिमाग में सवाल ज्यादा आते हैं, क्यूरियोसिटी रहती है उसको, थोड़ा जानना थोड़ा क्यूरियोसिटी को बढ़ा देता है, उसके दिमाग में सवाल होते हैं। लेमैन तो एंजॉय कर सकता है आर्ट को, जो थोड़ा जान गया उसके लिए थोड़ा दिक्कत होती है, फिर उसको लेमैन की तरफ लाना पड़ता है, वो लेमैन तरफ लाओ उसको, तो फिर वो अपनी आर्ट समझने लगेगा, अपने आप को देखने लगेगा। देखने लगे हाँ जी, पेंटिंग्स इतनी सिंपल है, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट इतनी सिंपल है, उसको बिल्कुल सहज होना पड़ेगा, सोचना नहीं है, सिर्फ देखना है। जितने भी सोचने की कोशिश की, जैसे कोई मेरी पेंटिंग का तो कोई फॉर्म ढूंढा, हाथी बना हुआ है, हाथी बोलते ही वो शब्द में आ गया, और शब्द के आते ही मेरी जो विजुअल जो लैंग्वेज है वो बंद हो जाती है एकदम, फिर विजुअल नहीं रहता, वो उस वर्ड आ गया, वर्ड आने पर फिर विजुअल लैंग्वेज खत्म, फिर आप शब्द ही पकड़ के रह जाओगे, सिर्फ शब्द आपके हाथ में होगा, पेंटिंग आपके हाथ में नहीं होगी, सिर्फ देखना है, शब्दों को बीच में नहीं लाना, शब्द हट गए तो मेरी पेंटिंग सामने आती है। गुड 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 वे ऑफ एक्सप्लेनिंग दैट. सो नजीम जो बोल रहे हैं, वेल सेड अबाउट एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग एंड इट्स एन इंटरप्रेशन ऑफ द क्रिएटिव आर्टिस्ट. एंड अरुण कुमार जी बोल रहे हैं, बहुत खूब सर. डॉक्टर विमी मनोज इज सेइंग नाइस. वजदा खान इज कॉम्प्लीमेंटिंग दैट नाइस कॉन्वर्जेशन. ये कॉन्वर्जेशन उनको पसंद आया. जे ए नायक जी बोल रहे हैं, आर्ट इम्पॉर्टेंस इन एजुकेशन प्लीज ब्रीफ सर. सो आर्ट इम्पॉर्टेंस के बारे में हमारे करंट एजुकेशन सिस्टम में क्या इम्पोर्टेंस है, ये अहमियत के बारे में पूछ रहे हैं.
ओके देखो, आर्ट एजुकेशन में नहीं, आर्ट तो हर चीज में होनी चाहिए। आप खाना भी बनाते हैं तो उसके अंदर भी आर्ट होनी चाहिए। आप ठीक से सोना चाहते हैं तो उसके अंदर भी एक आर्ट होनी चाहिए। आप कपड़े पहनने का ढंग, उसमें भी एक आर्ट होनी चाहिए। आर्ट तो हर चीज में ही है। दुनिया को आप मोती मान लो, ये एजुकेशन एक मोती है, हमारी खाना बनाना एक मोती है, हमारा सोना एक मोती है, हमारा कपड़ा एक मोती है, उसके अंदर जो धागा है माला का वो आर्ट है। आर्ट उसमें बराबर चलेगी। आप अब तो गवर्नमेंट को भी थोड़ा समझ आ रही है, वो आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बनाती है कि हर मैथ के अंदर भी मैथ को भी वो आर्ट के द्वारा सिखाने की कोशिश कर रही है, वो साइंस को भी आर्ट के द्वारा सिखाने की कोशिश कर रही है। अब समझ में तो आ रहा है और आगे बढ़ रहा है, इस तरफ आ रहे हैं लोग। मैं तो जो आर्ट का वो समझ रहे हैं, लेकिन जो बिल्कुल प्योर आर्ट है उसकी तरफ अभी नहीं आ रहे, अभी सिर्फ उसका इस्तेमाल ही हो रहा है। लेकिन आर्ट को प्रमोट करने के लिए क्या करना चाहिए, ये अभी कम लोग आ रहे हैं कि आर्ट को भी प्रमोट अलग से किया जाए। आर्ट का इस्तेमाल ही हो रहा है अभी है ना। आर्ट खुद को भी तो प्रमोशन चाहिए, उसको भी तो बड़ा होना चाहिए। गुड वन, वेरी नाइस रेस्पॉन्स नायक. आई होप यू गॉट दी आंसर. वेरी गुड क्वेश्चन. नजीम जी बोल रहे हैं एब्सोल्युटली आंसर्ड. अंकिता इज सेइंग नाइस सर. अरुण इज सेइंग बिल्कुल सर, देवानंद की तरह लग रहे हैं, लग रहे हो. सो आई वॉज राइट. क्या बात, थैंक्स अरुण फॉर यू नो adding, you know, joining me, because I thought I'm the only one who's seeing him as Devanand. Nazim ji bol rahe hain, simple in everything, you should find an art. Love of art takes you there. So, well said, Nazim ji. Mohammad Salim Jaipur bol rahe hain, very nice conversation. Namaskar, Hemraj ji. And Tapas Mukherjee ji bol rahe hain ki thank you for such a wise discussion about abstract art. And Sneha ji bol rahe hain, do you remember any comments from your visitors that touched your heart? देखो एक बार क्या हुआ, मैं मेरे मुंबई में शो चल रहा था 5-6 साल पहले, तो ले मैन क्या मतलब जो लोग आते हैं देखने के लिए, वो तो म्यूजियम है साइड में, तो लोग आते रहते हैं, उनको पेंटिंग समझ में नहीं आ रही थी, पेंटिंग देख नहीं पा रहे थे। मैंने समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, फिर मैंने लास्ट में बोला पेंटिंग ये नहीं है, पेंटिंग इसके पीछे है, तो उसने लिटरली वो पेंटिंग पीछे करके देखने की कोशिश की। बट ठीक बाद में आई थिंक दे वुड हैव रियलाइज्ड व्हेन यू एक्सप्लेन्ड इट. पीछे मीन्स यू नो, बट या आई एम श्योर यू नो 10-20 साल के बाद भी, और यू नो यू विल ऑलवेज रिमेम्बर दिस पर्टिकुलर यू नो डिस्कशन. बिल्कुल बिल्कुल ओके, नजीम जी बोल रहे हैं ट्रू देवानंद जी. ओके, सो लॉट ऑफ देवानंद कॉम्प्लीमेंट्स कमिंग फॉर यू नाउ. दीपक कुमार, थैंक यू हेमराज सर फॉर गिविंग सच अ वैल्यूबल टाइम फॉर अस. गुड इवनिंग बोथ ऑफ यू. सो नजीम इज यू नो स्माइलिंग फॉर वॉट यू मेंशंड. सो थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन. एंड बिफोर वी वाइंड अप, एनी सजेशन फॉर दी अपकमिंग आर्टिस्ट? बहुत लोग ये पैंडामिक में यू नो दे हैव यू नो टेकन यू नो और बॉट ब्रशर्स एंड यू नो स्टार्टेड डूइंग स्टफ. सो एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. सो एनीथिंग, एनी सजेशंस यू हैव फॉर अपकमिंग आर्टिस्ट, स्टूडेंट्स इन द आर्ट फील्ड जो BFA में ज्वाइन हुए हैं विद अ होप दैट दे विल बिकम आर्टिस्ट टुमारो? सो वट इज दैट यू नो यू हैव फॉर देम? देखो सबसे बड़ी बात है, देखो पेंटिंग के अंदर ING लगा हुआ है। ING मतलब कंटिन्यू, आपको अपनी आर्ट कंटिन्यू रखनी है, आर्टिस्ट को जिंदा रखना है, बस मेन काम ये है। जो भी अपनी आर्ट को कंटिन्यू रखेगा वो तो आर्टिस्ट होना ही है, उसका नाम भी होना है, उसको पैसा भी मिलना ही मिलना है, कोई रोक नहीं सकता उसको, चाहे वो कैसी भी आर्ट करे, ये मतलब ही नहीं है।
हम उसकी आर्ट नहीं समझ पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं, ये बात की बात है। मेन है आर्ट करना, कंटिन्यू वो आर्ट करते रहे और अपनी आर्ट के ऊपर बिलीव रखे। आर्टिस्ट को बोलना ही पड़ता है कि आई एम Yeah, we lost you for a bit. Yeah, you're back. आर्टिस्ट को तो बोलना ही पड़ता है कि आई एम वंडरफुल, आई एम वंडर वंडरफुल। इसमें कौन इससे कम कॉन्फिडेंस से बात नहीं बनती। वो जैसे भी कर रहा है उसको मानना चाहिए कि मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। जब वो खुद मानता है तो लोग भी मानते हैं कि हाँ ये ठीक कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट. सेल्फ ये कॉन्फिडेंस पहला कॉन्फिडेंस पहली चीज है. जरूरी चीज है। और अपने आप को जिंदा रखे, मतलब आर्ट को करते रहे कंटिन्यू, अपनी जड़ों को पकड़े रहे, उनको हमेशा पेंटिंग करते रहे। Superb. Thank you, sir. Thanks a lot for joining us. And again, all the audience, all the viewers, thanks for those awesome questions. If I couldn't cover, I see some of the questions still rolling in. We couldn't cover because of the time constraint. My personal apologies. But yep, thanks a lot for those wonderful comments, compliments, and questions. And this episode is very special to us because this is the 25th episode of the Art Talk by Sneha Arts. And I would also love to, thank Sneha ji for, giving an opportunity to meet and talk with eminent artists like Hemraj ji on this particular platform. So thank you, friends. Have a great rest of Sunday ahead. It's already 9 o'clock, but do enjoy. And thank you, Hemraj ji, for joining us and sharing your valuable knowledge Okay. and insights. Namaskar. Thank you. Namaskar.